वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। आज मैं निकला भाई कार लेने के लिए। कार लेने के लिए नहीं निकला, एक्चुअली मैं जा रहा हूँ आज कार देखने के लिए। पर ये समझ नहीं आ रहा कार लें कौन सी। या तो हम लेंगे महिंद्रा, या लेंगे फोर्ड, या मारुति, किया और फॉक्सवैगन। बहुत सारे ऑप्शन हैं मार्केट के अंदर, पर जो सबको सोचने के बाद पॉकेट को देखते हुए टाटा की नेक्सन, फोर्ड की इको स्पोर्ट, किया की सेल्टस या सोनेट। सेल्टस शायद थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा कर रही है, सेल्टस भी हम नहीं लेंगे। महिंद्रा की XUV 300 और फॉक्सवैगन की एमियो और पोलो, रेनॉल्ट की डस्टर। अगर हम थोड़ा सा इससे ऊपर जाते ना तो फिर हम जाएंगे सेडान के अंदर। सेडान में सबसे पहले आ जाएगी मारुति की सियास, होंडा सिटी। हम शोरूम पर जाकर विजिट करेंगे तभी कुछ कंफर्म होगा कि भाई हाँ ये वाला सेगमेंट हमारे प्राइस के अंदर आ रहा है। इसमें फीचर्स मिल रहे हैं, सनरूफ मिल रहे हैं, ऑयल मिल रहे हैं, पेट्रोल है, डीजल है, कितनी प्राइस आ रही है, ऑन रोड कितनी पड़ रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब जाके शोरूम पर ही पता लगेगा। तो अभी मैंने बुला लिया अमर को, हम लोग जा रहे हैं शोरूम पर। सबसे पहले हम जाएंगे भाई महिंद्रा के शोरूम के ऊपर जो MA रोड वाला है, उसके बाद हम जाएंगे फोर्ड के शोरूम पे, और तीसरा हम आज विजिट करेंगे हुंडई का शोरूम। तो देखते हैं। वैसे पहले तो दिमाग में था कि भाई टाटा की नेक्सॉन ले लेंगे, नेक्सॉन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी बता रहे हैं उसकी। और एक ऑप्शन मैंने ये भी सोचा है कि भाई EV भी ले सकते हैं, क्योंकि आने वाला टाइम है ना जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, और गवर्नमेंट ने भी कह दिया है 10 साल डीजल और 15 साल पेट्रोल कार की लाइफ है, उसके बाद इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे या स्क्रैप कर देंगे। कुछ पॉलिसीज गवर्नमेंट ने बनाई है, 25% आपको स्क्रैप जब आप कराते हैं अपनी कार तो उसकी वैल्यू का 25% आपको मिल जाएगा। और फिर आप जब शोरूम पे कार बुक करने जाते हैं या दूसरी कार नहीं लेते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली या कोई भी, तो उसमें आपको 5% डिस्काउंट और गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा आपको। देखो ये टाटा नेक्सन ये जा रही, देखो ये देखो, मतलब जो फ्यूचर है ना आने वाले टाइम का वो पेट्रोल डीजल का बिल्कुल नहीं है। अच्छा इलेक्ट्रिक के अंदर एक सबसे बड़ी कमी मुझे लग रही है 300 किलोमीटर चलती है, 300 से 350, 300 250 इतनी ही चल रही है टाटा की नेक्सन है। जो हुंडई की कोना तो थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा कर रही है, 25-26 लाख की, भाई वो तो हमने लेने नहीं, वो सोचने भी नहीं। टाटा की नेक्सन का दोनों वेरिएंट देख लेंगे, पेट्रोल भी डीजल भी, सॉरी तीनों वेरिएंट पेट्रोल डीजल और EV। तो सबसे ज़्यादा फायदा ना हमें यहाँ पर ये कि यहाँ पर ना महिंद्रा वाला शोरूम भी है कॉर्नर पे, और हुंडई भी है, और इसके पीछे ना फोर्ड वाला भी है। और महिंद्रा दो भी तो ऑप्शन है, पर थार वाला भाई बेस तो लेना नहीं है और टॉप छूना नहीं है, जो बीच का होगा ना वो लेंगे। सुनना 13-13 में नहीं जाना, हमने जाना है 10-11 और खेच के 12। पता है दूसरी बात ये क्लियर कर दूं, डीजल नहीं लेनी, डीजल गाड़ी चलाने का मजा पेट्रोल में ही है। मैं कह रहा हूँ डीजल लाए, नहीं लंबी ड्राइव तो जानी, जो डीजल का टॉर्क है ना वो पेट्रोल टॉर्क बिल्कुल नहीं है। इसका शोरूम पे तो कोई भी कार देखो इतना जी लगना चाहता है ना, देख लो ऐसे मेरा देख लो। हाँ अगर शोरूम पे अगर नैनो भी लेंगे ना, मतलब देखेंगे ना तो भाई इतना मज़ा आएगा उसको देखने में कि क्या क्या कार है ये। ये जो चीज़ है ना महिंद्रा की थार 1661 टॉप मॉडल मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक 17.67। ये मैनुअल है, ऑटोमेटिक ये ऑटोमेटिक है। ये डीजल बता रहे हो पेट्रोल बता रहे हो? डीजल। 4 महीने की वेटिंग, ऐसी गाड़ी इसका वेटिंग नहीं है, कोई भी नहीं है ऐसी गाड़ी। W8 मॉडल है, टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल वाला है। W6 पेट्रोल का प्राइस रहेगा इसमें 11.30। अगर W6 में डीजल पे चले जाए तो W6 अगर आप डीजल पे जाएंगे तो उसका रहेगा 12.23, 12,23,000। बैठा यार थार में ना जो मेरा मन है ना वो ये है कि कन्वर्टेबल रूफ ले लें, ये हार्ड टॉप ना लें, इसमें 70-80 हज़ार का फर्क है। कन्वर्टेबल रूफ ले लें और इसको यहाँ से ओपन कर लें और ये सनरूफ का ही फील दे रहेगी, और ऑफ रोडिंग में तो क्या शानदार चीज़ है ही, और ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ज़्यादा है। हाँ हमें पीछे कर लें, पीछे काफ़ी स्पेस है, स्पेस बहुत सही है। तो केबिन मतलब बिल्कुल साउंड प्रूफ केबिन है, इसकी माउंटिंग इतनी अच्छी कर रखी है, फोर सिलेंडर इंजन है। हाँ XUV 300 देख के आया ना, थोड़ी तसल्ली काम हुई। देखते हैं फोर्ड की इको स्पोर्ट जगह चलते हैं। पता है हमने ना फोर्ड देखी ना, मतलब मज़ा नहीं आया। एक वो उसमें ना SE करके मॉडल आया, उसमें स्टेपनी नहीं है पीछे, भाई बिल्कुल मज़ा नहीं आया। मतलब फोर्ड इको स्पोर्ट का जो लुक है ना वो खराब हो गया, और स्टेपनी पीछे नहीं है, अपना अंदर भी नहीं है स्टेपनी उसके। हुंडई वाले शोरूम पे आ गए यार, जो i20 मतलब लग रही है ना शानदार। ये जो पहला वाला
थोड़ी चेंज करता है तो इतना ही है ए है बिन हां हां मतलब एनफोटेनमेंट चालू करना ऑन करना की न्यूट्रल न्यूट्रल ध्यान देख लो न्यूट्रल है मैं करना जवाई ने स्टार्ट कर वैसे एक इग्निशन ही ऑन रहा ये स्टार्ट बॉन्डिंग और सर अगर हम ऑटोमेटिक पे जाते हैं जी और टॉप मॉडल में नहीं जाते हैं जी तो क्या प्राइस आएगा पेट्रोल के अंदर टर्बो इंजन आता है हाँ जिसके अंदर डीसीटी आता है एक आईएमटी आता है हाँ और एक आता है नॉर्मल इंजन कापा इंजन हाँ उसके अंदर आता है आईवीटी ये हाँ। तीन टेक्नोलॉजी आती है ऑटोमेटिक के अंदर तीन आ रही है टर्बो इंजन टर्बो के अंदर टर्बो में क्या फर्क है टर्बो में एक्चुअली पावर ज़्यादा मिल जाएगी हाँ शोरूम वगैरह में जाके वापस आ गए तो हमने एक कार देखी फोर्ड इको स्पोर्ट इको स्पोर्ट के अंदर जो नया वाला मॉडल आया वो आया इको स्पोर्ट का एस ई करके एस ई के अंदर ये है पेट्रोल और डीजल दोनों आ रहे हैं पर उसके अंदर जो पीछे स्टेपनी है फोर्ड की जो पुरानी पहचान है फोर्ड इको स्पोर्ट की वो सब नहीं आया तो एकदम से प्लेन है विदाउट स्टेपनी मतलब जैसे महिंद्रा की एक्सयूवी 300 है ना वैसा फल आप फील आ रहा है पर पता नहीं क्यों फोर्ड के ऊपर जाने का मन नहीं कर रहा तो फिर हम गए हुंडई के ऊपर हुंडई पे जैसे ही अंदर एंटर करते हैं ना उसके बाद में एक जो भैया है वहाँ पर उन्होंने कार स्टार्ट करी और कार स्टार्ट करके उतर के दूसरे वाली कार को पीछे करने के लिए आ रहे थे ताकि उस कार को पहले वाली को निकाल सके और जैसे निकालने के लिए आया ना वो पता नहीं क्या हुआ कार के अंदर गियर लग गया अपने आप से और गियर लग गया कार को टक्कर हो गई सामने वाली कार से उनका पैर दब गया और पैर दब गया सारी भीड़ इकट्ठी हो गई यहाँ पर बहुत ज़्यादा तो एक थोड़ा सा मन सा खराब हो गया फिर मतलब क्या ही व्लॉग करते हैं वहाँ पर ऐसा कुछ खास नहीं कर पाए और फिर हुंडई की आइडेंटिटी देखी और कोई कैमरा वैमरा कुछ भी ऑफ मतलब वहाँ पर ऑन नहीं किया कार वार देखी पर ऐसे ही देखी कि हाँ ठीक है बस और जो कार देखी वो देखी i20 काफ़ी अच्छी है उसका इंटीरियर बहुत प्यारा है और उसके बाद में फिर हमने डिसाइड किया अभी हम ना वरना भी देख लेते हैं वरना के तो दो ऑप्शन आ रहे हैं अगर हम बात करें एस प्लस की और बात करें एस एक्स की पर वो एम आई रोड वाले शोरूम के ऊपर नहीं है तो वो हम कल देखने जाएंगे वैशाली वाले शोरूम के ऊपर कल देखेंगे टाटा नेक्सन और हुंडई की वरना और फॉक्सवैगन की एमियो की या की सोनेट या सेल्टोस ये तीन चार कारें जो भी रह रही हैं कल देखेंगे वो तो फिलहाल अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है सिर्फ देख रहे हैं दो तीन दिन देखेंगे दो तीन दिन के अंदर हम कोई भी एक कार का टोकन देके मतलब उसको बुक कर देंगे और कार कोई भी ले लें चाहे हुंडई ले लें चाहे महिंद्रा ले लें चाहे फोर्ड ले लें या टाटा पे चाहे किसी भी कार पे चले जाएं किसी भी शोरूम पे चले जाएं वो कम से कम 1.5 से 2 महीने की बुकिंग का टाइम ले रहे हैं फिलहाल वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में तब तक के लिए ख्याल रखें सुरक्षित रहिए टेक केयर बाय बाय और गुड नाइट पीछे करो पीछे अरे धक्का मारो पीछे यार अरे वो उठाने क्या हुआ दबा दबा पैर दबा आगे किसे गाड़ी किसे चार तो भाई ने करी है आगे कैसे आगे वो न्यूट्रल दे दे फिर आगे भाई कोई आगे के आसपास ही नहीं है कोई आसपास नहीं गिर के आगे स्टार्टिंग होती गियर में लूटा करके स्टार्ट करने में